फरवरी से रामकथा की ग्राम काजल खेड़ी में हुई भव्य शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय संत राम कमलदास जी वेदांती दे रहे प्रवचन। ग्राम काजल खेड़ी में समायोजित श्री रामकथा के चतुर्थ दिवस में श्री जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी महाराज के धनुष भंग की कथा को विस्तार में बताते हुए कहा कि साधक के जीवन की सबसे बड़ी बुराई अभिमान है। जब तक ये अभिमान रूपी धनुष टूटता नहीं, तब तक अंतर्मन में बैठे हुए ईश्वर का आत्मा साक्षात्कार नहीं कर पाती। बड़े बड़े राजा धनुष को इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि वो खुद ही अहंकार में डूबे थे। अहंकार व्यक्ति की तरक्की को रोकता है। सारे राजा धनुष तोड़ने के लिए जब उठे तो उन्होंने अपने बल, पौरुष और ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन भगवान राम अपने गुरु की आज्ञा से बड़ी विनम्रता पूर्वक सभा में उपस्थित सभी को प्रणाम कर धनुष की ओर बढ़े। जनकपुर के समस्त नर नारियों ने ईश्वर से उनकी सफलता की। स्वामी जी ने बताया कि व्यक्ति को सदैव वाणी को नाप तौल कर ही बोलना चाहिए। उग्रता में कहे गए वचनों से व्यक्ति का सम्मान समाप्त हो जाता है, इसलिए राजा जनक को भरी हुई सभा में अपमान को महसूस करना पड़ा। भगवान परशुराम जी ने वहां उपस्थित होकर श्री राम की भाषा शैली, ओजस्विता और विनम्रता से अभिभूत होकर उनसे अपनी धनुष की भी प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। भगवान श्री राम के हाथों में जाने पर भगवान परशुराम का धनुष अपने आप ही चढ़ गया, जिससे खुद भगवान के अवतार श्री परशुराम जी ने राम को परम ब्रह्मा परमात्मा के रूप में जानकर उन्हें नमन किया। कथा में माल्यार्पण और विवाह की झांकी अत्यंत मनमोहक रूप में प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर भजन और संकीर्तन ने समस्त श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया और महर्षि वशिष्ठ जी महाराज के नेतृत्व में पूरे आंगन में चौक पुराया गया। दिव्यतम पीढ़ियों पर महाराज दशरथ जी महारानियों के समेत अपने चारों बालकों को अपनी गोद में लेकर के बैठे। चारों वेद मानों की ब्राह्मणों का रूप धारण करके वेद श्री वशिष्ठ जी महाराज के साथ मेरे सामने मौजूद हैं जनपद के अध्यक्ष माननीय ब्रजमोहन गोटवाल जी। गोटवाल जी, राम कथा जब होने जा रही थी क्षेत्र में ये चर्चा है कि आपने जो है राम कथा के लिए अपनी 5 एकड़ गेहूं की फसल वो कर दी। ये बात ठीक है, लेकिन ये कोई मैंने एक अकेले ने नहीं किया है, ये पूरे गांव का सहयोग है, ये पूरे गांव की परंपरा बनी हुई है। और मैंने अपनी फसल पहली बार नहीं कटवाई है, ये तो परंपरा वर्षों से चली आ रही है। अगले यज्ञों में हमारे यहाँ सम्मानी लखन सिंह जी ने अपना खेत खाली किया, शेर सिंह लखवार ने अपना खेत खाली किया, और हमें तो गुरुदेव का आदेश मिला है। केवल गुरुदेव का आदेश था कि राम कथा करना है और माता मंदिर में राम कथा होना, लेकिन गांव वालों ने निर्णय लिया कि गुरुदेव के हिसाब से माता मंदिर बहुत छोटी जगह होगी, क्योंकि ये गुरुदेव का अपना गांव मानते हैं। गुरुदेव तो हम पूरा गांव भी गुरुदेव को अपना गुरुदेव मानते हैं। हालांकि गुरुदेव तो समस्त भारत के हैं, लेकिन फिर भी इस गांव की आस्था है, बच्चे बच्चे में आस्था जुड़ी हुई है कि हमारे गुरुदेव हैं। तो हमारे गुरुदेव का जैसा आदेश हमें मिलेगा, हम तत्काल तत्पर रहते हैं उनके आदेश का पालन करने के लिए, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए। जी, आपकी टीम के संरक्षण में, ग्रामवासियों के संरक्षण में सहयोग से आप लोगों द्वारा लगातार धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है, आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे? गोटवाल जी, देखिए ये तो हमारे गांव की परंपरा बनी हुई है। जब भी कोई धार्मिक काम हुआ है काजल खेड़ी में, पूरा गांव एकजुट होकर एक भाव में एक डोर से बंधा हुआ है, एक एक समरसता के रूप में पूरा काम करते हैं। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो कार्यक्रम भी पूरे गांव की ओर से है। कार्यक्रम है, कोई मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं है या किसी एक का कार्यक्रम नहीं है, वो गुरुदेव भी कोई एक के नहीं है, पूरे गांव के गुरुदेव है। और गुरुदेव का पूरे गांव पर स्नेह है और पूरा गांव गुरुदेव को अपना गुरुदेव मानता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे थे ब्रजमोहन गोटवाल जी ने बड़े विस्तार से ये रामकथा सहित अन्य धार्मिक आयोजन के बारे में बताया। आप जैसे लोग बिरले ही होते हैं जो अपनी 5 एकड़ की खड़ी फसल रामकथा और अन्य आयोजनों में कटवा चुके हैं। बाबई के समीपस्थ ग्राम कायलखेड़ी में 16 तारीख से रामकथा का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है। रामकमल वेदांती जी यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं। वेदांती जी, रामकथा के बारे में बताएं। रामकथा भारतवर्ष की एक संस्कृति की प्राण है जी। रामकथा ही मनुष्य को सिखाती है कि उसका बचपन से लेकर के मरण पर्यंत जीवन के क्या आदर्श और क्या मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए जी।
क्योंकि जिस प्राणी के जीवन में कोई आदर्श नहीं है, आदर्श विहीन मनुष्य पशु के समान है। रामचरितमानस इंसान को, इंसान के अंदर में इंसानियत को जगा करके सदाचार, सदा सहायता, कृपा और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना का सृजन करती है। रामचरितमानस से संसार में मूलभूत रूप से दो चीजों को देती है, एक तो कर्तव्य निष्ठा और ईश्वर में समर्पण। यदि हमारे जीवन में ये दो चीजें हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण हो और हम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उससे बड़ी लगन के साथ में निष्ठा पूर्वक करें, तो हमारा देश पहले भी स्वर्ण की चिड़िया था, आज भी स्वर्ण की चिड़िया है और भविष्य में भी रहेगा। आज हमें आवश्यकता है कि हमारे नौजवान लोग प्रायः सत्संगों से, आध्यात्मिक गतिविधियों से दूर हो रहे हैं, उन्हें इससे जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि रामचरितमानस के अंदर में राजा दशरथ जी के चार युवा पुत्रों की जो गाथा है वो अपने आप में राष्ट्र के निर्माण का संदेश देती है और व्यक्ति के निर्माण का संदेश देती है, और जहाँ राष्ट्र और व्यक्ति बनता है मनुष्यता का सृजन अपने आप हो जाता है। वेदांती जी, काजल खेड़ी को अपना गांव आप मानते हैं, यहाँ कई वर्षों से आप अनवरत रूप से आ रहे हैं, क्षेत्रवासियों के लिए आपका क्या संदेश है राम कथा के बारे में? देखिए, काजल खेड़ी भी हमारा गांव है और भी जहाँ भक्त हैं वो भी हैं। वस्तुतः साधुओं का जो परिवार होता है वो मनियत सब ही राम के नाते सुहृद सुसेव्य जहान हो। जो राम से श्रद्धा रखने वाले होते हैं, जिनका राम से संबंध है, राम हमारे रिश्तेदार हैं, और जो राम के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, वो सभी हमारे अपने हैं। और मैंने देखा काजल खेड़ी में अनवरत में समझता हूँ कि शायद भारत में ये अकेला एक गांव होगा जिस गांव में लगातार लगभग 12 वर्ष तक अखंड रामायण का पाठ चला, और यहाँ के बच्चों बच्चों के मुख पर रामायण की चौपाइयां गुंती, जहाँ एक और बच्चे कहीं सिगरेट पी रहे हैं, कहीं नशे की ओर जा रहे हैं, चरित्र उनका बिगड़ रहा है, और वहीं पर इस गांव के बच्चों को मैंने मंगल अवन अमंगल हरि गाती हुए देखा। अनवरत यज्ञों की परंपरा और यज्ञ के धार्मिक कृत्य चलते रहे, इसलिए इस गांव से हमारा अनन्य लगाव है और बराबर हम यहाँ पर आते जाते हैं। आपने देखा राम, वेदांती जी ने बड़े विस्तार से सारगर्भित तरीके से राम कथा और युवाओं को संदेश दिया। आज इनके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। खबर भारत वर्ष के लिए मैं राकेश नायक। खबर भारत वर्ष के लिए बाबई होशंगाबाद से राकेश नायक की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।